राम राम जी, जय माता की। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही है। आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, मेरी गर्दन में चनका मोच क्या आ गया, तो ऐसे ही इधर देखने में मेरे को यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो सारी बहनें दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो आज हम बैठ के ही माता रानी का भजन गाएंगे, क्योंकि आपको पता कि मेरा दिक्कत हो रही है। आज मैं खड़ी होकर वजन नहीं गा सकती, मेरे को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज हम बैठ आराम से बैठ के माता रानी को मनाएंगे, माता रानी का भजन गाएंगे, अपने परिवार की सुख शांति के लिए आज हम माता रानी का भजन गाएंगे। वो कहते हैं कि अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता, तो आज हम अपने परिवार की खुशी के लिए माता रानी को मनाएंगे, माता रानी का भजन गाएंगे। मेरा छोटा सा परिवार मैया आ जाओ एक बार। तो अपने परिवार की खुशियों के लिए माता रानी को मनाएंगे। आप सब भी मेरे साथ माता रानी का भजन जरूर गाना। और उससे पहले ये कुछ कमेंट है रे, मैं इनका रिप्लाई दे देती हूँ आपको, क्योंकि एक बहन का 3 दिन से लगातार मेरे पास कमेंट है रहा कि आप मेरे को रिप्लाई नहीं, रिटर्न नहीं दे रहे हो। तो ये है जी रेखा पांडे जी। तो बहन जी, इसका कमेंट है रहा कि बहन मैं आपसे कल से जुड़ी हुई हूँ, मतलब ये परसों आया था मेरे पास और कल भी आया, उसके पहले भी आया था, और आप अभी तक रिटर्न नहीं करे, कृपया आपने रिटर्न करे प्लीज़। तो बहन जी, मैं जिस दिन आपका कमेंट मेरे पास पहले दिन आया था, मैंने उसी दिन आपको सब्सक्राइब भी कर दिया था आपको चैनल, और आपको फॉलो भी कर दिया था, और कमेंट भी भेज रखा है मैंने। आप एक बार अपनी आईडी में अपने चैनल पे एक बार देख लें, एक बार चेक करें, मैंने आपका रिप्लाई दिया हुआ है। और आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी दूसरा कमेंट है जय माता की, नहीं जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी सबको मेरी तरफ से भी। आगे है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आगे है जय श्री श्याम जी करनाल से, तो धन्यवाद जी करनाल वालों का भी। और एक कमेंट है जी, ये इसमें नाम नहीं है, कुछ यूज़र कुछ GA5C पता नहीं क्या है ये। तो ये कमेंट है जी कि दीदी मैं आपको जानती हूँ, और क्या मैं आपके साथ भजन गा सकती हूँ? मेरे को भी भजन गाने का शौक है, चाव है। और तो ये कमेंट मेरी शॉर्ट वीडियो पे आ रहा है जी, आप देख सकते हैं, जो मैं माता रानी की सुबह, माता रानी के श्रृंगार की सुबह सुबह की वीडियो डालती हूँ उस पे आ रहा है। और मैं आपको जानती हूँ, क्या मैं आपके साथ भजन गा सकती हूँ? पर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को भजन गाने का बहुत चाव है। तो मेरे को देखो, आपकी इस पे फोटो नहीं लग रही, मेरे को तो पता नहीं देखो आप कौन हो बहन। तो आप जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आप गाना चाहो, तो आप मेरे साथ भजन जरूर गा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और आपको कैमरे के सामने गाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कैमरा गाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ भजन गा सकते हो। और जैसे आप कह रहे कि मैं आपको जानती हूँ, तो आप ये तो मेरे को पता नहीं देखो, क्योंकि आपकी फ़ोटो वगैरह इस पर कुछ नहीं लगी हुई, तो अच्छी बात है बहन। और आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ये तो मैंने पहले भी कहा था कि हम तो ये भजन करते हैं, ये तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, ये हमारा एक परिवार ही है, कोई ये नहीं है कि हमें कंपटीशन है या कुछ भी है, जैसा भी मतलब हमको आता है, ये तो भगवान का, माता रानी का ये नाम है, इसमें कोई वो नहीं है, जैसा भी हमको आता है हम वैसे ही भजन करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कोई कंपटीशन है या कुछ है, जैसे हम अपने परिवार में अपने परिवार के साथ बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन में भजन करते हैं, तो ऐसे ही हम ये भजन करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही कहते हैं कि एक से भले दो, हम दो जन दो बहनें मिलकर गाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी का बहुत ही प्यारा भजन। और आज मैंने ये अपनी शादी की ये चुनरी निकाल ली है, क्योंकि कहते हैं कि अपनी शादी का चूड़ा और चुनरी शुभ की होती है, और माता रानी को तो वैसे भी लाल रंग बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम इसको ओढ़ के माता रानी का भजन गाएंगे, चलिए शुरू करते हैं जय माता की। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी का बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा भजन। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए शेरों वाली माता की जय, बोलिए पहाड़ों वाली माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ये मेरी माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए सभी मिलकर माता रानी को मनाते हैं। मेरा छोटा सा परिवार, आ जाओ एक बार मैया, आ जाओ
मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। तो आज हमने अपने परिवार की खुशी के लिए माता रानी को बुलाया, अपने परिवार की सुख शांति के लिए माता रानी को बुलाया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया माता रानी के भजन में, क्योंकि हमारी माता रानी है ही इतनी अच्छी, इतनी भोली भाली कि उसके भजनों में हम बस खो से जाते हैं, उसके भजनों में बहुत आनंद आता है। आज का भजन आपको कैसा लगा लाइक करना अगर अच्छा लगे हो, और बीच में जो मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको पता है मेरे को थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, और इतना अच्छा मेरे से मतलब गाना आता भी नहीं, भजन जैसा मेरे से आता है वैसे ही मैं आप सब बहनों के सामने गा देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ अगले भजन के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय माता की, जय माता की।